है इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। जनपद हापुड़ के कप्तान अभिषेक वर्मा के निर्देशन में पुलिस प्रशासन की बदमाश लुटेरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई। जनपद हापुड़ कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई लूट करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 85,000 रुपए नकदी, लूटी हुई लाइसेंसी रिवाल्वर, एक अवैध पिस्टल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। शातिर अभियुक्तों पर करीब 2 दर्जन के सहित मुकदमे दर्ज है। नौशाद कुरैशी की खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली के अंतर्गत लगभग 2 सप्ताह पहले दिनांक 3 मार्च को एक हमारे व्यापारी बंधु हैं मराठी की, उनके यहाँ घर में घुस करके 4 बदमाशों ने उनसे लूटपाट करी थी। लूटपाट के उपरांत उनके घर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, कुछ कैश और सामान उनके घर से लूट के ले गए थे। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये घटना शाम के वक्त 4-5 बजे के आसपास 5 बजे के बाद हुई थी और उसमें बाज़ार वगैरह खुले हुए थे। और इस चैलेंज को हमारी थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने, स्वाट टीम ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीओसीटी साहब की पूरी टीम ने एक्सेप्ट कर इस पूरे घटनाक्रम को, एक एक पहलू को अच्छे से छानबीन करी, पूरे घटना को वर्कआउट किया। वर्कआउट के उपरांत अभी हमारे इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। एक का नाम जावेद उर्फ काबरा करके है, एक अरशद है। ये दोनों ही मेरठ के निवासी। जावेद जो हैं, लगभग 26 के ऊपर इनके ऊपर अभियोग दर्ज है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, और इन्होंने कई घटनाएं, डकैती, लूट की ऐसी अंजाम दी। इनके साथ में अन्य एक साथी अरशद भी गिरफ्तार है, इन्होंने भी कई जगह लूटपाट की घटनाएं करी हैं। पूछताछ में इन्होंने कई अन्य दो अन्य साथी, उनके बारे में भी नाम बताए हैं, जो जिनके बारे में हमारी टीम अभी पीछे लगी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना करने के लिए इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से प्लानिंग करी थी, इनके घर की रेकी करी थी, घर में कितने बजे कौन सा कारीगर कब बाहर जाता है, घर के आसपास क्या कैमरे लगे हैं, इन्होंने पूरी चीज़ जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस घर में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि इसमें मेरठ के अन्य अपराधियों का भी सहयोग लिया गया। उन अपराधियों से इन्होंने मोटरसाइकिल, पिस्टल के जो राउंड्स हैं वो सभी इन्होंने जुटाए हैं, और घटना करने के उपरांत इन्होंने जा करके अलग अलग जगह दिशा में जा करके सभी चीज़ों को डंप किया। हमारी पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक जो भी गुलाटी जी के घर से सामान गया था उसको रिकवर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक लाइसेंसी असला गया था, उसको भी पुलिस टीम ने रिकवर किया। इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट किया। जो अन्य साथी और जो मेरठ के अन्य अपराधियों के उसमें नाम आ रहा है, डेफिनेटली हम लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे और उनको भी खिलाफ के पीछे पहुँचेंगे। देखिए, अभी ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया, पर जो अन्य अभी साथी जो फरार है, जब तक वह गिरफ्तार नहीं हो जाते, उनसे विस्तृत पूछताछ नहीं हो जाती, हम लोग और डिटेल में जाएंगे। सभी जो लोग हैं, जब तक सब लोग गिरफ्तार नहीं होते, इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है। लोग अभी और फरार हैं, देखिए लगभग।